जख्म एक नहीं जिसमें सारा छलनी, जख्म एक नहीं जिसमें सारा छलनी, दर्द बेचारा परेशान है कहां से निकले। ये हुब्बुल वतन मिनल ईमान, वतन से मोहब्बत हमारे ईमान का जुज है। मैं समझता हूं कि मसाइल तो इतने हैं कि अगर मसाइल को जिक्र किया जाए तो किसी बफर किसी शायद देखे। जख्म एक नहीं जिसमें सारा छलनी, जख्म एक नहीं जिसमें सारा छलनी, दर्द बेचारा परेशान है कहां से निकले। ये इब्राहिम ये है और उसमें कुरैश बिरादरी की भी जो हालत है वो कोई हाथ से ढकी छुपी नहीं है। बहुत अच्छे तरीके से आपने कहा कि मैं हमेशा बिरादर ने कुरैश के साथ था और बिरादर ने कुरैश मेरे साथ है, बहुत बड़ी बात है। बहरहाल पॉलिटिकल लाइफ में आपने जो कहा कि उसके ऊपर मैं कमेंट्स करूं कि अल्लाह हालात बदले और आपके जैसे लोग इख्तदार में आए, ये बड़ी बात है। मैं समझता हूं कि यहां पर जो मसाइल इससे पहले भी जो है बहस किए गए, कमोबेश पूरे मुल्क में वही हालात, मिल्लत इस्लामिया की भी हालात वही है और बिरादर ने कुरैश की भी कहीं पर ज्यादा है तो कहीं पर कम है। कहीं पर हमारे लोग जागरूक है, वो अपनी ताकत से जो है मनवा लेते हैं लेकिन कहीं नहीं मना पाते, और यह बड़ी ट्रेजेडी है। और उसको कई मौकों पर हमने डिस्कशन किया है और कई जगहों पर, बात यही नहीं है कि सिर्फ हमारे साथ हमारे बहुत सारे मुस्लिम है, बल्कि मैं देखता हूं ये मुल्क की बड़ी अजमत ये भी है कि जैसे अभी रवि कुमार साहब का जिक्र आया और बहुत सारे गैर मुस्लिमों को भी जिक्र आपने जो किया, ऐसा नहीं है कि पूरा मुल्क फिरका परस्त हो चुका है, ऐसा भी नहीं है कि पूरे हिंदू आपके खिलाफ है, और ऐसा भी नहीं है कि तमाम गौवंश के नाम पर आप पर जुल्म ज्यादती करना चाहते हैं। आपने जिक्र किया शेतकरियों का, किसानों का, हमारे पास अभी सिराज साहब जानते हैं 6 जून को जो प्रोग्राम हुआ तो उसमें सबसे प्रमुख जो वक्ता थे हमारे तो दादा रघुनाथ जो शेतकरी संगठन के वहां के अध्यक्ष है। उसके बाद कई मरतबा गैर मुस्लिमों ने मधु किया और कई मसाइल को रखा और उन्होंने यह कोशिश की कि यह सरासर ज्यादती है ना सिर्फ बिरादरान कुरैश बल्कि पूरी कौम के साथ और उन तमाम लोगों के साथ जो नॉन वेजिटेरियन है जिनको बहुत कम दाम में एक जो है एक ऐसी खुराक मिलती है जो बहुत ज्यादा जो है प्रोटीन से भरी है और जिसका मतलब लाखों करोड़ों लोगों की रोजगार भी है। बाय प्रोडक्ट का अगर मैं जिक्र करूं, मौका नहीं था, मेरे जहन में था अगर बाय प्रोडक्ट का जिक्र करूं तो अनेक बीमारियां कितनी है, आप किसी बड़े डॉक्टर से चाहे हमारे हिंदू भाई हो पूछ लीजिए कि सिर्फ यही जानवरों के बाय प्रोडक्ट के तहत जो मिलती है, चाहे फिर कैंसर की बीमारी हो, किडनी की बीमारी हो, चाहे हमारे हंडला औरतों की बीमारी हो, बच्चों के लिए दवाएं हो, वगैरह वगैरह अगर इसका जिक्र किया जाए तो मैं समझता हूँ लंबी तहरीर बनानी पड़ेगी। इतना तमाम होने के बाद, इतना तमाम जानकारी के बाद और आप तमाम को मालूम है कि अगर देखा जाए तो इस मुल्क की आर्थिक नाड़ी भी जो है हमारा ही कारोबार है। भले से ये बाहर से बोलते हैं कि भाई ये गौवंश बंद होना चाहिए, ये बात सही है, हमने बार बार कहा कि भाई जहां तक गाय का मसला है हमने उसका बराबर रिस्पेक्ट किया है, हमारे हिंदू भाइयों के मजहबी जज्बात को मजबूत ना हो इसलिए हमने उसको भी बार बार ऐलान किया है, लेकिन बदकिस्मती से कुछ चल फिर का प्रस्त लोग है जो इतने हावी हो चुके हैं कि जिन्होंने माहौल को परागंदा कर दिया। और अक्सर खबरें आपकी कर्नाटका की, बेंगलोर का हमको भी पढ़ने को मिलती है और अफसोस होता है कि क्या इस मुल्क के अंदर ये चंद फिरका परस्त लोग जो मुट्ठी भर है कि ये पूरा ताबा कर लेंगे। और जब जब कभी सुनने को मिलता है, मैंने अभी मेरे इंटरव्यू में कहा कि नरेंद्र मोदी जी हम आपका आदर इसलिए करते हैं कि इस मुल्क ने आपको पंत प्रधान बनाया है, इस मुल्क ने आपको वजीर आजम बनाया है, आपने एक नारा दिया था कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, ठीक है आप सबका साथ चाहते हैं लेकिन जब बात आती है पॉलिटिकल जो है पावर की तो ये देखने में मिलता है जैसे आपने कहा कि हमारे ना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भारतीय जनता पार्टी से चुन करा सकते हैं, ना असेंबली के टिकट दिए जाते हैं, ना कारपोरेशन में कहीं नुमाइंदगी जाती है, ना छोटी छोटी जगहों पर दी जाती है, बल्कि जहां होते हैं तो उनको खत्म किया जाता है, उनको किस तरीके से खत्म किया जाए तो मुझे नहीं लगता ये सबका साथ वाली बात है। रहा साथ का, ठीक है विकास की आप बात करते हैं तो बहुत अच्छे ढंग से उनके नेता बनते हैं के साथ, जब रोड बनती है तो हमारे हिंदू भाई के लिए बनती है, मुस्लिम भाई के लिए बनती है,
जब हम गैस सिलेंडर देते हैं तो तमाम लोगों को देते हैं, जब और सहूलतें देते हैं चाहे वो जो है प्रधान योजना में आवास योजना हो तो सबको मिलती है, ठीक है। लेकिन विश्वास की बात जहां पर आती है तो मोदी साहब आपने अभी पिछले दिनों कहा, आपने कई जगहों पर कहा और हम लोगों की भी मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं इस मुल्क का अगर चाहे आपने मुझे राजा बनाया तो मैं मेरे लोगों से मेरे मातहत के जो लोग हैं जो राजकर्मी मैं उनसे कहूंगा कि उन लोगों तक भी पहुंचे जो लोग वोट नहीं देते और उन लोगों तक भी पहुंचे जो वोट देते हैं, लेकिन उन लोगों के भी मसाइल हल करे जो भले वोट ना देते हो, उनकी मराद यहाँ पर मुसलमानों से होगी। लेकिन मैं जब देखता हूँ कि एक देश का जो है यहाँ एक देश का जो पद प्रधान जब होता है तो वो शायद वो सिर्फ सदा में बोलने वाली आवाज दिखाई देती, नीचे के लोग वो उससे ज्यादा फिरका परस्ती करते हैं। और अभी जिस तरीके का माहौल पूरे मुल्क में बना दिया गया है वो आपके हमारे लिए बड़ी सोच कर देता। मैं अब और ज्यादा वक्त ना लेते हुए यहाँ पर जो ऐप का जो उद्घाटन हुआ मैं बड़ी खुशी की बात है, अभी हम लोगों को उतना नहीं समझता जो हमारी नौजवान टीम है कि ये जो है अभी आगे आने वाले युग के जो है ये जीता है, आगे आने वाले युग में वही लोग जो है रहनुमाई करेंगे। और ये तो बहुत अच्छी बात है कि आज जो यहाँ पर एक ऐप जो है इस तरीके का जो यहाँ पर इसका इनॉग्रेशन जाफर शरीफ साहब भी थे उसमें, बहुत सारे लोग थे और शायद मेरे को लगता है सीएम इब्राहिम साहब का इतना ताल्लुक है तो वो भी जवान रहे होंगे तो जरूर शिरकत की होंगी। बहरहाल हमने भी थोड़ा सा बहुत संजीदगी से मतानत से और सीरियसली हमारे मसाइल को समझते हुए गैर मुस्लिमों के सामने भी और हमारे बिरादर ने वतन जो हमारे मुस्लिम भाई है उनके सामने भी हिम्मत अपनी से रखना चाहिए ताकि हमारे मसाइल का कोई हल निकले तो सत्य बात हो। और उसी के लिए मुझे लगता है इस तरीके के आंदोलन से करते हैं। ये बहरहाल ये चीजें अभी हमें समझने की है, आगे आने वाले जमाने में तालीम ही हमारा हथियार हो सकता है और हिम्मत के साथ हमने तालीम के साथ हमारी टेक्नोलॉजी है और माशाल्लाह बेंगलोर तो इसके लिए बहुत मशहूर है तो हमारे नौजवानों ने भी इस सीरीज के अंदर दौड़ना चाहिए। कारोबार में ठीक है कुछ लोग हो सकते हैं, हर कोई व्यवसाय नहीं हो सकता, नौकरियों की मारामारी है, मसाइल के प्रॉब्लम है, सारी चीजें है। मैं इस मौके पर थोड़ा जागरूक रहकर थोड़ा अलर्ट रहकर हमारे नौजवानों से गुजारिश करूंगा कि हालात को समझते हुए आगे जो है हमारे दौड़ रहे और सिर्फ मुल्क का हम ये कौन का शासन ऐसा नहीं है बल्कि हम पूरे मुल्क का शासन है। हम जब इस मुल्क में है जब हमें कहा गया कि हुब्बुल वतन मिनल ईमान, वतन से मोहब्बत हमारे ईमान का जुज है। और जैसे पहले कहा गया कि हम एक नहीं दो नहीं, हमारे लिए तो चॉइस थी कि हमारे जो फादर्स है जो हमारे वो पाकिस्तान जा सकते थे लेकिन हमारे अफगानिस्तान में इसी हिंदुस्तान में हिंदू भाइयों के साथ रहना पसंद किया और हम भी यही पसंद करते हैं। इसका मतलब यह है कि हम चॉइस थे, हमारे पास हम जा सकते थे लेकिन हमने ये चॉइस किया कि हम चुन चुके हैं तो इसलिए बाकी लोगों की बनस्बत हमारी कुर्बानियां ज्यादा है। लिहाजा मैं फिर से इस मौके पर आप तमाम को मुबारकबाद देते हुए और जलसे जिस तरीके से काकाजी आत्मपुरा जमान से आए और इनके जनेतर प्रदेश की तरफ से आदित्य के नाते आपको मुबारकबाद देता हूँ और मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।